हाय गाइस, सो आज हम बात करेंगे क्लीन एयर गोल्स इन नेक्स्ट 3 इयर्स। सो दिस इज रिलेटेड टू इंडिया, सो लेट्स सी क्या बात हुई है। एक वेबिनार हुआ था, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए हैं। सो आपका फर्स्ट इंटरनेशनल डे क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज बनाया गया है 7 सितंबर 2020 को। और ये क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था एक रेजोल्यूशन टू होल्ड एन इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज ऑन दिसंबर 2019 में। आपका ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था रेजोल्यूशन कि हमें एक इंटरनेशनल क्लीन एयर डे बनाना है, जो कि 74th सेशन में किया गया। और उसमें इन्वाइट किए गए यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम को टू फैसिलिटेट द ऑफ द इंटरनेशनल डे। और इसमें कोलैबोरेशन हुई अदर रिलेवेंट ऑर्गेनाइजेशंस की भी। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, लेट्स मार्क द डेट 7 सितंबर 2020। आई नो 2020 कोई नहीं भूलेगा, सो सबको याद रहेगा एंड सबको याद भी रहना चाहिए क्योंकि ये क्लीन एयर के लिए है। एनवायरमेंट मिनिस्टर ने अपील की हमारी यूनियन टेरिटरी से और स्टेट से कि हमें पॉल्यूशन रिड्यूस करना है। तो इस वेबिनार में रिव्यू किया गया सारी प्रोग्रेस जो आपकी एनसीएपी में हुई, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। ये एक नेशनल लेवल प्रोग्राम है जो एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए बना हुआ है इंडिया में। सो दिस वॉज द फर्स्ट रिव्यू मीटिंग सिंस द कोरोना वायरस डिसीज आउटब्रेक इन एंड मार्च। हमारे यूनियन मिनिस्टर ने कहा, जो एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के हैं प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने मंडे को सारी स्टेट्स और सिटीज से अर्ज किया टू डिलीवर ऑन इट्स क्लीन एयर गोल्स बिफोर 2024। जो आपकी 2024 डेडलाइन है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की, उससे पहले हमें रिड्यूस करना है, उससे पहले हमें टारगेट पूरे करने हैं। उन्होंने ये बोला, उन्होंने ये अर्ज किया। जावड़ेकर सेड दैट स्टेट्स एंड सिटीज, उन्होंने बोला कि स्टेट्स और सिटीज को ट्राई करना चाहिए अपना टारगेट पूरा करना और रिड्यूसिंग पर्टिकुलेट मैटर, जो आपका पर्टिकुलेट मैटर है नॉन अटेनमेंट सिटीज में, बाय अप टू 30% बाय 2024 ओवर 2017 एनुअल एवरेज लेवल्स। जो आपके 2017 में लेवल्स थे पर्टिकुलेट मैटर के, उसे 30% तक रिड्यूस करना है 2024। दिस इज अ बिग टारगेट, वी नीड टू अचीव दिस। There are 122 non-attainment cities. आपके इंडिया में 122 non-attainment cities है, जो कि Central Pollution Control Board के द्वारा लिस्ट की गई हैं, जिसमें से 48 सिटीज आपकी एक्सीड करती हैं पीएम स्टैंडर्ड पर्टिकुलर मैटर स्टैंडर्ड बाय 100% एंड 35 सिटीज बाय 50%। दिस इज अ वेरी बैड इंडिकेशन दैट आर इंडिया इज वेरी वेरी पॉल्यूटेड। यू कैन क्लियरली सी दैट पीएम स्टैंडर्ड आपका 100% तक एक्सीड करता है और 35 सिटीज में 50% तक इंक्रीज करता है, एक्सीड करता है। नॉन अटेनमेंट सिटीज क्या होती है, स्टेट सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, जो आपका न्यू दिल्ली में है, उन्होंने लिस्ट की है कि पोल्यूटेड सिटीज इन विच जो आपका नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को जो वायलेट करती हैं, उसे नॉन अटेनमेंट सिटीज में डाला जाता है, जिसमें आपका हो जाता है जैसे दिल्ली का आनंद विहार हो गया या दिल्ली एनसीआर हो गया, फरीदाबाद, गाजियाबाद, जो आपकी हाईली पोल्यूटेड सिटीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उनको ऐसे स्टेप्स लेने होंगे क्योंकि उनका पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई है। और आपका पर्टिकुलेट मैटर जो बहुत हार्मफुल है, जो आपकी हवा में रहता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो आपके व्हीकल्स इंडस्ट्री से निकलते हैं वो हवा में रहते हैं और आपके से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आपको करते हैं, तो उसे रिड्यूस करना बहुत जरूरी है। प्रशांत गार्गव, मेंबर सेक्रेटरी सीपीसीबी के जो है, उन्होंने बोला पॉल्यूशन एक्शन प्लान्स फॉर 122 सिटीज हैड बीन अप्रूव्ड दैट आर फोकस्ड ऑन, अप्रूव कर दिए गए हैं जो फोकस करेंगे मैनेजमेंट पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स, पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स जो आपके हाईली पोल्यूटेड एरियाज हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड फ्लीट मॉडर्नाइजेशन, पेविंग ऑफ रोड्स, क्लीन फ्यूल फॉर इंडस्ट्रीज। ये सब आपके बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिससे आपका एयर पोल्यूशन कम होगा। द 15th फाइनेंस कमीशन हैज एलोकेटेड 4400 करोड़ आपको मिले थे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को और अर्बन लोकल बॉडीज को, जिससे आपका क्लीन एयर प्रोजेक्ट चल सके। सो दिस इज अ ह्यूज अमाउंट, सो लेट्स सी व्हाट आवर गवर्नमेंट विल डू। मिनिस्टर सेड, हमें इस संकट का पता है पहले से ही, 2014 से ही, प्रॉब्लम परसिस्टेड फॉर डिकेड, सालों साल से है ये। जब हमारे अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे, 2004 में ही अपना जो फ्यूल जो यूज होता था इंडस्ट्रीज एंड अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, उसको सीएनजी में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस वॉज द ह्यूज स्टेप टेकन बाय आर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, विच हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ एयर पोल्यूशन। अदरवाइज आपका पोल्यूशन इस टाइम पे इतना होता अगर ये सीएनजी नहीं आता। 2014 में भी पीएम मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे और अभी भी हैं, उस टाइम पे भी 2014 में एयर क्वालिटी इंडेक्स आया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोगों को समझ आता है कि यहाँ पर एयर क्वालिटी कैसी है। एनसीएपी भी 2014 में आया, और तो और पोल्यूशन ज्यादा होने की वजह से हम BS4 से सीधा BS6 पर आ गए हैं। सो इट्स अ ह्यूज स्टेप दैट आर टेकन बाय अ गवर्नमेंट
इन द लास्ट 6 ईयर्स ऑल्सो सेवरल रोड प्रोजेक्ट्स, जो आपके रोड प्रोजेक्ट्स भी किए गए हैं जिससे आपका ईज हुआ है ट्रैफिक कंजेशन में, अदरवाइज ट्रैफिक कंजेशन इतना हो जाता है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो रही है। हमारे मिनिस्टर ने ये भी कहा कि हम स्टेट्स को अर्ज करते हैं टू फोकस देयर रिसोर्सेज ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, लाइक मोबिलिटी, जिगजैग टेक्नोलॉजी, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन। जिगजैग टेक्नोलॉजी, जो आपकी ब्रिक किल्न, जहाँ पे आपकी ईंटें बनती हैं, उन जहाँ पे आपकी ईंटें बनती है उसमें आपका 90% एफिशिएंसी इंक्रीज होता है जिगजैग टेक्नोलॉजी से, क्योंकि आपका हीट पूरा कंज्यूम हो जाता है अंदर ही अंदर, उसमें जिगजैग ब्रिक्स को लगाया जाता है। He also said states could impose tax on the polluter. This is a very important line कि state impose कर सकती है tax जो pollution कर रहे हैं। PM Modi had announced on Independence Day. PM Modi ने announce किया था Independence Day पे at least 100 cities will achieve clean air goals in 4 years. इंडिया में जो 100 सिटीज है वो अचीव कर लेंगी क्लीन एयर गोल्स इन 4 ईयर्स, सो लेट्स स्ट्राइव। सो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर ने कहा है कि उसे 3 साल में पूरा करके दिख। सो गाइज, इफ वी विल नॉट अंडरस्टैंड, मैनी ईयर्स विल बी कट फ्रॉम आर लाइफ। सो व्हाट्स दिस? पॉल्यूशन लेवल्स इन इंडिया शेव ऑफ 5.2 ईयर्स फ्रॉम द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द एवरेज इंडियन, एंड इट इज मोस्ट एक्यूटली हिट्स पीपल लिविंग इन द इंडो गैंगेटिक प्लेन, जो आपका गंगा रिवर के आसपास जो प्लेन है वहाँ पर जो लोग रहते हैं, वहाँ पर जो स्टेट्स हैं नॉर्दर्न रीजन में, उनकी 5.2 ईयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो गई है बिकॉज ऑफ द एयर पॉल्यूशन। सो दिस इज द असेसमेंट बाय एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, विच इज अ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, और उन्होंने असेसमेंट निकाली, उन्होंने स्टडी की, जो जिससे हमें पता चला कि जो एयर पोल्यूशन की वजह से इंडिया में 5.2 इयर्स एज कम हो गई है। सो इफ यू विल नॉट अंडरस्टैंड, मैनी इयर्स विल बी कट डाउन फ्रॉम आर लाइफ। सो दिस लेक्चर विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।